टुडे समाचार में अपने के स्वागत आई हम ज्योति शुरू करी धनुषा में फेट दो गोटे के कोरोना संक्रमण से भिल मृत्यु 111 गोटे संबंधी समाचार सा बीतल 24 घंटा में धनुषा में 111 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाई छ जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौनी तथ्यांक के अनुसार बीतल 24 घंटा में थप्याल 111 गोटे संगे आब जिला में सक्रिय संक्रमित के संख्या 1520 पहुँचल त बीतल 24 घंटा में एको गोटे संक्रमित ठीक नहीं भेलाई छ तहिना बीतल 24 घंटा में धनुषा में कोरोना संक्रमण से दू गोटे के मृत्यु भेलाई छ मृत्यु भेल सब में मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार 38 वर्षक एक गोटे पुरुष आ सबैला नगरपालिका 4 पटेरवा रहनिहार वर्ष 68 के एक गोटे पुरुष रहला छ मृतक मध्य एक गोटे के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में आ दोसर गोटे के राम जानकी अस्पताल जनकपुर धाम में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक तथ्यांक में उल्लेख रहला छ धनुषा में संक्रमित मध्य 1337 गोटे होम आइसोलेशन में रहल त 140 गोटे सामान्य इलाज करा रहल छ तहिना आईसीयू में इलाजरत रहल संक्रमित के संख्या 42 रहल त वेंटिलेटर में 5 गोटे इलाजरत रहल छ धनुषा में अखन धरि कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल सबक संख्या 79 रहल अछि कोरोना कहर के बीच प्रदेश दू सरकारक मंत्री आ राज्य मंत्री सब अपन क्षेत्र में मंदिर आ धर्मशाला निर्माण के शिलान्यास में व्यस्त देखल गेल छैक कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण में नियंत्रण के पहल दिस ध्यान केंद्रित नहीं कऽ कऽ प्रदेश सरकारक मंत्री आ राज्य मंत्री सब शिलान्यास में व्यस्त देखल जा रहल छथि प्रदेशक अस्पताल सब में आईसीयू वेंटिलेटर आ ऑक्सीजन लगातक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सब के व्यवस्थापन होब नहीं सक रहल अवस्था में मंत्री आ राज्य मंत्री सब धर्मशाला आ मंदिर के शिलान्यास कर में व्यस्त देखल गेल छथि पिछला बेर प्रदेशक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल फेर शिलान्यास में व्यस्त देखल गेलैन सोमदिन राज्य मंत्री मंडल प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2077-78 के विनियोजित कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में लक्ष्मीनिया ग्रीन पार्क आ ओही नगरपालिका वार्ड नंबर 4 अंतर्गत के धर्मस्थल नोजा बाबा स्थान में संसदीय विकास कोष के रकम से धर्मशाला निर्माण के शिलान्यास में व्यस्त देखल गेलैन राज्य मंत्री मंडल के संसदीय कोष से 25 लाख के लागत में लक्ष्मीनिया ग्रीन पार्क के निर्माण होबय लागल अछि पार्क भीतर पोखर गोलघर सोनिया माता मंदिर बाउंड्री निर्माण तथा बैसार घर के निर्माण कयल जायत तहिना वार्ड नंबर 4 अंतर्गत धर्म स्थल नोजा बाबा स्थान में समेत राज्य मंत्री मंडल के संसदीय विकास कोष से धर्मशाला निर्माण के शिलान्यास कयल गेल अछि राज्य मंत्री मंडल सामाजिक संजाल में अपन व्यस्तता सहित के तस्वीरें पोस्ट कयने छथि आर्थिक वर्ष के अंत में आबि कऽ प्रदेश दू के जिला सब में विकास बजट समाप्त कर हड़बड़ी में काज भ रहल अछि वर्ष भरि कामे नहीं कऽ कऽ आर्थिक वर्ष के अंत में बजट समाप्त कर लेल हड़बड़ी में देखावटी काज करब पुरान प्रवृत्ति यथावते रहल देखल गेल अछि नेपाल में सोमदिन थप 4762 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि देशभर कयल गेल 15055 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 4178 आ 2425 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 584 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5,61,302 पहुँचल अछि तहिना कोरोना के कारण थप 114 गोटे के मृत्यु भेल अछि हाल धरि नेपाल में 7,386 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौने अछि तहिना थप 6,491 गोटे कोरोना मुक्त भेल छैक नेपाल में हाल धरि 4,47,446 गोटे संक्रमित नीक भेल छैक हाल 1,06,470 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 689 गोटे क्वारंटाइन में अछि तहिना हाल धरि 30,57,424 टा पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि कोरोना संक्रमण के दोसर वेरिएंट के गति आक्रामक रूप में फैलाक बाद स्थानीय प्रशासन धनुषा में चारिम बेर निषेधाज्ञा के समय अवधि पुनः एक हफ्ता के लेल बढ़ौलक अछि जिला संकट व्यवस्थापन समिति के सोमदिन बैसल बैसार से आगामी जेठ 24 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा के जारी रखबाक निर्णय कयल गेल अछि कोरोना संक्रमण के फैलाव से रोक आगामी जेठ 24 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के निरंतरता देल जेबाक निर्णय भेल प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी देलनि धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बास्तोला प्रदेश दू में धनुषा जिला में संक्रमण के गति दोसर स्थान में पहुंचल आ समुदाय स्तर में कोरोना फैलला से जिला भर निषेधाज्ञा के समय अवधि थपल गेल जानकारी देलनि
प्रजिया बास्तोला कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आई के संक्रमण नै फैल देवाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पर सकबाक कुनो किसिमक गतिविधि होव अकर नै देव नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहेक अन्य सब सेवा स्थल सब पुनः 7 दिन धरि के लेल संक्रमक रोग N2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन N2028 के दफा 6 के उप दफा 3 बमोजिम जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा समय अवधि थपल गेल जानकारी दलाइन प्रशासन दवाई इलाज एवं आदेश में उल्लेख भेल बमोजिमक अत्यावश्यक काजक बाहेक सर्वसाधारण के घर से बाहर नहीं निकल आग्रह के नियाज निषेधाज्ञा में सब प्रकारक सभा सम्मेलन गोष्ठी तालीम सेमिनार सिनेमा हॉल पार्टी पैलेस स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल हाट बाजार मनोरंजन स्थल सैलून ब्यूटी पार्लर जिम खाना समूह में खेल जाए वाला खेलकूद पुस्तकालय संग्रहालय लगातक सब संचालन कर समेत रोक लगाने आज प्रदेश दू सरकार प्रदेश सभा के चालू 5वां अधिवेशन अंत्य करैत बजट अधिवेशन आह्वान करबाक तैयारी कयलक अछि। सरकार जे 24 गते बजट अधिवेशन आह्वानक लेल सिफारिश केने अछि। मंत्री परिषदक सोम दिन बैसल बैसार सँ चालू हेतै अधिवेशन अंत्य करैत जेठ 24 गते बजट अधिवेशन आह्वान के लेल प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी देलनि। बीतल चैत 30 गते से प्रदेश के 5वां अधिवेशन शुरू भेल छल। चैत 30 आ बैसाख 10 गते क 5वां अधिवेशन के दूटा बैसार मात्रे बैसल छल। तेसर बैसार बैसाख 14 गते के लेल आह्वान कयल गेलाक बादो प्रदेश सभा सचिवालय में कार्यरत किछ कर्मचारी आ किछ प्रदेश सभा सदस्य के कोरोना संक्रमण देखल गेलाक बाद बैसार अनिश्चित कालक लेल स्थगित कयल गेल छल। 18-15 धरि में नीति तथा कार्यक्रम संगे आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट अनबाक तैयारी भ रहल मंत्री यादव जानकारी देने शायद। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सरकार में आव हेतु आग्रह के निशान ओली जसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर और वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के आई बालुआ 4 बजाकर सरकार में आव आग्रह कलाइत। संविधान के धारा 76-5 अनुसार ओली के समर्थन जनौने ठाकुर महतो मंत्री होबय वाला नेता सबक नाम निष्कर्ष लगाव नहीं सकला से सरकार में जाय लेल अबेर भेल स्रोत जनौने अछि। आई बालुआटार में भेल वार्ता में ओली गृह मंत्रालय अपने राखि कऽ अन्य 6टा मंत्रालय देव तैयार रहल बतौलनि। एहि से पहिने 7टा मंत्रालय माओवादी सँ एमाले में आयल नेता सब लेने छल। सर्वोच्च अदालत गृह मंत्री रामबहादुर थापा बादल ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह खाने पानी मंत्री मणिचंद्र थापा श्रम मंत्री गौरी शंकर चौधरी आ युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा लामा तामांग के सांसद में काम नहीं रहल कहैत तत्काल मंत्री के रूप में काज नहीं कर नहीं कराब आदेश देल गेल छल। ओहि के बाद खाली रहल इस 7 मंत्रालय में 6टा ओली जसपा के देबाक योजना बनौनी अछि। चुनावक तैयारी में रहला से ओली गृह अपना रखबाक योजना अनुसार एहि बारे में ठाकुर आ मौतों के जानकारी कराइब चुकल छनि। एमाले उपनेता सुभाष निम्बांग जसपा सरकार में आब तैयार रहलाक बादो अखनो किछु दिन लाग सकबाक बतौलैत। जसपा के ठाकुर महतो समूह आइए ओली सरकार में जेबाक तैयारी छल मुदा आकांक्षी सब बहुत भेला से ठाकुर महतो के समस्या पड़ल छैक। बहुत आकांक्षी आ पूर्वा पार्टी समूह सँ व्यवस्थापन के चुनौती दू नेता के पड़ल अछि। जसपा सँ संसदीय दलक नेता राजेंद्र महतो सरकार के नेतृत्व करता तहिना मंत्री के रूप में शरद सिंह भंडारी राजकिशोर यादव उमा शंकर अरगरिया चंदा चौधरी आ प्रमोद शाह के नाम चर्चा में छनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आंतरिक मूल्यांकन विधि अनुसार कराओल जेबाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लऽ जेबाक निर्णय कयलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्रालय के बैसार सँ SEE परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन विधि अनुसार कराओल जायत प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पठाओल जेबाक निर्णय केने शिक्षा मंत्री के प्रेस संयोजक ईश्वर राज ठकाल जानकारी देलनि। ओ कहलनि मंत्रालय के बैसार सँ आंतरिक मूल्यांकन विधि अर्थात गत वर्ष जेहने विधि अनुरूप कराओल जेबाक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के पठेबाक निर्णय बीतल वर्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षक आ अनुभवी शिक्षक क 3 सदस्य मूल्यांकन समिति गठन क पहिल त्रैमासिक अवधि के मूल्यांकन 10%, दोसर त्रैमासिक अवधि के मूल्यांकन 30% आ शैक्षिक सत्र के अंत्य धरि में निर्धारित सब विषय वस्तु मूल्यांकन भेल छल। मूल्यांकन विवरण तैयार कर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड SEE कक्षा 10 के मूल्यांकन नतीजा प्रकाशन तथा
प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी किने छल। जे अनुसार मूल्यांकन समिति राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड तोक्ने अनुरूप विद्यार्थी के प्राप्तांक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई में बुझौलाक बाद संबंधित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सब उक्त विवरण राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में पठाने छल। समिति बुझौने विद्यार्थी के प्राप्तांक के आधार में बोर्ड परीक्षा फल तैयार कक प्रमाण पत्र जारी किने छल। लुम्बिनी प्रदेश के राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन में नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार दृग नारायण पांडे विजय भेलाह। दांग में सोम दिन भेल प्रतिद्वंदी के 528 मतभार से पासू करेत पांडे विजय भेल। शायद पांडे 4140 मत प्राप्त केलथि त एमालेक उम्मीदवार चंद्रबहादुर खड़का 3612 मत प्राप्त केने। शायद पांडे के कांग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय जनमोर्चा आ उपेन्द्र यादव पक्षीय जनता समाजवादी पार्टी के समर्थन छल। विजय भेलाक बाद पांडे अपना के सहयोग के निहार सबके धन्यवाद दिलाथ। ओ अखन राष्ट्रीय एकता के जीत भेल कहित संघीयता राष्ट्रीयता लगातक विषय के प्राथमिकता के संग उठायब धारणा रखलनि। र कांग्रेस पार्टीले पनि विश्वास गरेर जुन आफ्नो अमूल्य मत दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा यो जुन जित भएको हो यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझलमा परेको। निर्वाचन में प्रदेश सभा 83 सदस्य सब मतदान में सहभागी भेल छलथि। स्थानीय तहक 214 मतदाता सहभागी भेल छल। धरान उपमहानगरपालिका अपन नागरिक के लेल अपने खोप खरीद कर पहल शुरू केने अछि। धरान उपमहानगरपालिका भीतर बसोबास केनिहार नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत करैत खोप खरीदक लेल स्वास्थ्य तथा जनसमुदाय मंत्रालय के प्रत्याचार के अछि। उपमहानगरपालिका प्रमुख तिलक राय कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कर खोपे प्रभावकारी देखल गेल कहित 18 वर्ष ऊपर के 1,00,000 नागरिक के उपमहानगरपालिका के अपने स्रोत से खोप लगायब योजना बनल गेल बतौलनि। 1,00,000 नागरिक के पहिल आ दोसर मात्रा के खोप लगाव लेल 2,00,000 मात्रा खोप धरान में आवश्यक पड़ल कहित प्रमुख राय स्वीकृति प्रदान कर मांग कैल गेल उल्लेख कलनि। धरान में रहल सरकारी कर्मचारी तथा ज्येष्ठ नागरिक प्राय खोप लगा चुकल अछि। विवेकशील साझा पार्टी के नेता उज्ज्वल थापा के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयल छनि। कोरोना संक्रमित भेलाक बाद गंभीर बीमार पड़ल हुनक अखन मेडिसिटी अस्पताल में इलाज भ रहल छनि। शुरू में हैम्स होइत ग्रांडी लजौल गेल हुनक अवस्था गंभीर भेलाक बाद मेडिसिटी पहुंचल गेल छल। कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद ओ गंभीर बीमार पड़ल छलथि आ कोरोना निगेटिव अयलाक बादो हुनक स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहल बताओल जा रहल अछि। चीन अनुदान में देने कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप मंगल दिन नेपाल आयत ओ के लेल आय रात नेपाल वायु सेवा निगम के व्हाइट बॉडी जहाज चीन जा रहा है। चीन 10,00,000 डोज खोप अनुदान में देवाक घोषणा केने छल। उक्त खोप नेपाल आबि गेलाक बाद 60 से 65 वर्ष उमेर समूह व्यक्ति के देल जायत। स्वास्थ्य सेवा विभाग के परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डॉक्टर तारानाथ पोखरेल चीन से आब लागल थप 10,00,000 बेरोजिल खोप 60 से 65 वर्ष उमेर समूह के देल जायत बतौलनि। अखन जोखिम वर्ग में ओहे सब रहल कहित पहिल प्राथमिकता में ओहे सब परत बतौलनि। काल चीन से कतेक डोज खोप आयत ओही आधार में खोप कार्यक्रम बनायब डॉक्टर पोखरेल कहलनि। एखनो 60 से 65 वर्ष उमेर समूह में करीब 7,00,000 खोप लगाब बाकी रहल हुनक कहब छनि। एहिसँ पहिने चीन 8,00,000 डोज खोप उपलब्ध करौने छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।